जुड़े विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़ा। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लता चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सत्य का गला घोटने की कोशिश है, देश की जनता भली भांति जानती है। और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश करें। While replying on the Doklam crisis, PM said people must not speak on subjects they are not aware of. He further said that while India was tackling the Doklam issue, Rahul Gandhi was in talks with the Chinese envoy to India. जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं, कभी ना तो कभी हाँ। और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ बना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, मुलाकात तो हुई थी। क्या देश देश के विषयों को कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? And then PM slammed Congress President Rahul Gandhi for calling surgical strike a jumla strike. He said the nation will not forgive people who insult the armed forces. जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए।